बाहु एक्सप्रेस देख रहे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और श्रद्धालुओं की भीड़ माँ बागे वाली के मंदिर में उमड़ती नजर आ रही है। और आप जो लोग नहीं आ पाए मंदिर में, उन सभी को दर्शन करवाने के लिए आज एक बार फिर हम माँ बागे वाली के दरबार पहुंचे हैं। हालांकि कोविड है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन पहला दिन है आज और माता रानी के दर्शन करने बहुत से लोग सुबह से ही आते नजर आ रहे हैं। और माता का दरबार देखिए किस तरह सुंदर तरीके से सजाया गया है, फूलों के साथ मेन द्वार यहाँ सजाया गया है। और श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही यहाँ पर है, सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं भी चाहती थी कि बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से मैं भी अपने दर्शकों को आज माता रानी के दर्शन कराऊं। माँ बावे वाली के दरबार हर कोई नवरात्रि में 9 के 9 दिन भी आता है और माता रानी के लिए लोग व्रत भी करते हैं। आज फिर आप लोगों को मैं दर्शन कराने लेकर आई हूँ। पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ जिन लोगों ने मास्क पहने हैं उन्हें ही अंदर जाने के लिए अलाउड किया जा रहा है, अदरवाइज बाकी लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है। मास्क पहनना काफी कंपल्शन है क्योंकि अगर सभी लोग आ रहे हैं तो सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ टच होते हैं, इसीलिए सारे प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर साल काफ़ी भीड़ देखी जाती है लेकिन इस बार श्रद्धालु तो आ रहे हैं लेकिन काफ़ी लिमिटेड वे में यहाँ पर सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। विनोद जी कह रहे हैं जय माता दी, जितने भी लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं उन सभी को जय माता दी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। यही उम्मीद करते हैं कि माता रानी कि ये नवरात्रे हर कोई यही मांग करे कि ये कोविड महामारी से जल्द हमें छुटकारा मिल जाए और अगली बार जब हम आए तो हमें मास्क जैसी, कोविड प्रोटोकॉल जैसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। कल भी मैंने आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर नवरात्रि की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी और आज दरबार सज चुका है, लाइटनिंग पूरे तरीके से की गई है, फूलों से सजाया गया है और आप लोगों को मैं दर्शन भी करवाने के लिए अंदर लेकर चलती हूँ। आज नवरात्रि पर फ्री मेडिकल चेकअप भी यहाँ पर लोगों के लिए लगाया गया है ताकि लोग यहाँ पर आकर अपना चेकअप करा सकें। सुंदर माता रानी का दरबार ये सजाया गया है और हर कोई आज यहाँ दर्शन करने आता है। 9 के 9 दिन ये मंदिर इसी तरह से सजा रहता है और इस तरह से धूम यहाँ पर मची रहती है, श्रद्धालुओं का तांता भी यहाँ पर लगा रहता है। कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोविड क्योंकि महामारी है, हम लोग काफ़ी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मास्क पहनने की कंपल्शन भी यहाँ पर रखी गई है। सैनिटाइजिंग मशीन भी यहाँ लगाई गई है ताकि लोग हाथ सैनिटाइज करें उसके बाद आगे जाए क्योंकि रेलिंग्स को हाथ लगने होते हैं। पूरे तरीके से बलून्स फ्लावर्स ये सब लगाकर यहाँ पर दरबार को सजाया गया है। कितनी सुंदर डेकोरेशन यहाँ पर की गई है, आप लोग खुद ही तस्वीरों में देख रहे हैं। वैष्णो देवी से भी तस्वीरें जब आई हर कोई देखता रह गया कि विदेशी फूलों के साथ माता रानी का दरबार इतना सुंदर सजाया गया है और यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से बलून्स लगाकर, फ्लावर्स लगाकर, लड़ियाँ लगाकर माता रानी के दरबार को सजाया गया है ताकि माता रानी के जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि की बात करें तो कटरा में भी इस समय महोत्सव चल रहा है, काफी लोग कल ही वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गए थे ताकि आज पहले ही दिन माता रानी के दर्शन कर सके, माता रानी का आशीर्वाद ले सके। चलते चले चलते चले जय माता दी।
दर्शन कर ले, चल जय माता दी। दर्शन आप लोगों को मैंने करवाए, कल भी यहाँ से तस्वीरें दिखाई थी, बहुत दूर दूर से लोग आज माता बावेवाली का दर्शन करने आते हैं। लोग कोल कंडोरी नगरोटरा जाते हैं, वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। जब भी आप लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खुद से ही सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किया करें। ज़रूरी नहीं है कोई आपको कहेगा, उसके बाद ही आप लोग मास्क पहनेंगे या सैनिटाइज करेंगे। आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सारे प्रोटोकॉल्स खुद से फॉलो करने हैं, ना कि लोग जब आपको बोलें तभी आपको वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। लाइटनिंग की गई है बलून्स, फ्लावर्स, फल फूलों के साथ माता रानी के दरबार को यहाँ पर सजाया गया है, और कितना सुंदर देखने में ही लगता है। हमारे साथ साथ पूरे दर्शन आप भी कीजिए माता रानी के। आप भी जो ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, जो कुछ विश मांगना चाहते हैं शिवरात्रि में माता रानी से, वो आप लोग मांग लीजिए। दादी बोल रहे हैं उन सभी को जय माता दी। आप सब भी बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से माता रानी के दर्शन कीजिए, ब्लेसिंग लीजिए, और यही मनोकामना मांगिए कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिले और वापस से जैसे 2020 से पहले हम लोग रहते थे, कि बाहर जाके हमें कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वैक्सीनेशन के लिए, कोविड पॉजिटिव के लिए, 2 गज की दूरी के लिए, ये सब चीज़ें हमें फिर से भूल जाएं, वापस से ये महामारी ख़त्म हो जाए और हम लोग उसी तरीके से रहना शुरू कर दें जैसे आज से पहले रहते थे। सभी लोग यहाँ पे माता रानी की ब्लेसिंग्स लेने आए हैं, माता रानी के दर्शन करने आए हैं।
काफी श्रद्धा लोगों में रहती है नवरात्रों को लेकर। और कितना सुंदर मंदिर सजाया गया है, कल भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करती थी, उस समय सजावट शुरू हुई थी लेकिन आज सजावट हो चुकी है, फूलों से सजावट की गई है, चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो आर्टिफिशियल फूल हो, उनसे सजावट की गई है, बलून्स लगाए गए हैं, फूलों की लड़ियाँ लगाई गई हैं, लाइट्स लगाई गई हैं और सुंदर तरीके से ये माता रानी के दरबार को सजाया गया है। तो आप सभी को मैं बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से माता रानी का दर्शन करवा रही थी, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, बहुत से लोग आना चाहते हैं लेकिन किसी ने